आसानी से छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ उठा लाने की? चुपचाप चल रहा, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। पहले तू बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके फार्म हाउस पे कब्जा करने की? जानता है मैं कौन हूँ? मालूम है तू एमएलए है, रूलिंग पार्टी का एमएलए। बोल, पुलिस वालों से सबका एनकाउंटर करवाऊंगा। कुत्ते की मौत पर जाओगे तुम सब लोग, समझे? अरे शक्कू, जरा होम मिनिस्टर को फोन लगा। घंटी बज रही भाई, जरा एमएलए को फोन दे। नमस्ते सुल्तान भाई। अन्ना, अन्ना मैं हूँ अन्ना सुदर्शन रेड्डी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग जबरदस्ती मुझे उठा कर लाए अन्ना। क्यों? अन्ना असल में एक फार्म हाउस पसंद आ गया तो मैं। बोला है क्या? सुल्तान के ही आदमी का फार्म हाउस अच्छा लगा तुझे कब्जा करने को? दे सुल्तान को फोन दे। ठीक है अन्ना। हाँ बोलिए मिनिस्टर साहब। सुल्तान भाई, औला है साला, गलती हो गई उससे, माफ कर दो ना। माफ भी कर देता हूँ और छोड़ भी देता हूँ अगर आप मेरे को 2 करोड़ रुपए भेजें तो। 2 करोड़? आपको तो मालूम ही चाहिए ना मिनिस्टर साहब के सुल्तान कोई काम फुकट में नहीं करता। या तो आप मेरे को 2 करोड़ भेजिए या मैं इसके 2 टुकड़े भेजूं। वालेकुम छोटे भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अच्छा हूँ। बहुत किस्मत वाले है तुम छोटू भाई, ये एरिया के सबसे नसीब वाले आदमी तुम। मैं तो ये बोल दूँ कि तुम तो जन्नती है मियाँ। क्यों मियाँ, क्या बात है? क्या बात है मियाँ, ऐसा खिदमत गुजार तो पहली बार देखा मैं। बहुत खुशी हुई उस्ताद तुम्हारे को ऐसा देख के। क्या बोल रहे मियाँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं 4 मीनार के पास देखा तुमको, खिदमत बोलो तो उस कुछ बोलते। इतनी भीड़ में भी हाथ पकड़ को रोड क्रॉस करा रहे थे अपनी अम्मा को। अम्मा? अरे मियाँ वो तुम्हारी भाभी है। भाभी? अम्मा के साइज की। आओ जी जेएनआर कली, कहाँ है जी तुम्हें? बखुदा हमने आपसे 1000 बार कहा है, हमें बेहुदा मजाक कतई पसंद नहीं है। अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की ना तो हम आपके खानदान की शान में गुस्ताखी करेंगे। नसीम अहमद नाम है हमारा, समझे? जय नसीम बोले तो तुम्हें तकाई कुछ रहती जी। आशा मियाँ, नसीम लड़की का नाम होता है यार। अब रहने दो, नसीम मत बैठो यजमान। अरे यार ये सब। अरे राजू इधर आ बा, ये इधर लीन कर बा, ये लखनऊ टिकराई ने देख फिर मजा। टिकाई है आपकी। अरे राजू बैठू चाला बा, और साथ में पानी भी, अगर उंगलियां मत डुबाएगा, समझे? क्या जी जय, तुम इतने स्मार्ट कहीं रहती जी कि नवाब तुम्हें लखनऊ के। अमा छोड़ो यार, क्या यार? अरे क्या नसीम भाई, अभी धंधे में नहीं निकले? हाँ अमा धंधा, खिदमत कहिए खिदमत। अभी अभी खिलवत वाली खाला जान से निपट कर आ रहा हूँ। राजू एक चाय और ला। नहीं नहीं अजय, किसक के बैठो, सटक को जाएंगे ना। ला लिया पूरी। पूरी मियाँ, पूरी डालते दिमाग चलता अपना। और सुनाइए भाई, आपका सपना से इश्क कैसा चल रहा है? आप दोनों तरफ लगी या वन वे ट्रैफिक है? पूरा 100% तैयार है, कोई टेंशन नहीं है, समझे? और फिर तो हमारी तरफ से पेशगी मुबारकबाद कबूल फरमाइए। अरे सुनो तो सही, 100% मेरी तरफ से क्या? जय मंजे फर्स्ट इच मालूम जैसा होता सो उससे पूछ ले लो। छोड़ो यार, ये बताओ कि मियां सीनो अभी तक तशरीफ क्यों नहीं लाए? जय सीनो की पूछ रही, यजमान का बेटा जी उन्हें, उसकी सभा होती है सो 2 बजे। अभी फोन कर दीजिए यजमान को। थैंक यू भाई। अच्छा सीनू कहाँ है जी तुम्हें? आ रहा हूँ बाप, 1 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तेरे सामने ही छूँ, चल रहा है इधर देख। क्या जी आओ भाई। पाशा भाई। क्या रे सीनू, सामने रह के फोन उठा लिया? ये बेंगलोरी का 1 रुपया बैगन में मिला दिया ना।
हमारे कासा इतने बेबटी को पड़ी समझ रही। जसीनू कौन था जी वो कार में? एमएलए का बेटा है पाशा भाई, अपना दोस्त है। ए राजो सिंगल चाइना चली। और तुम्हारे गुट्टा वार्कस का क्या हाल है? वो क्या की बोलते ना जी, शोले के इमाम साहब की दौड़ मस्जिद तक। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक कही है। वैसा जी पाशा की दौड़ गुट्टा वार्कस तक। क्यों सीनो कल से कहा यार? अरे वो शमशाबाद का चक्कर यारो। ये क्या चक्कर है यारो, जिसको देखो शमशाबाद की तरफ भाग रहा है। क्या तो भी है वहाँ? किस दुनिया में हो बरखुरदार? तुम्हें खबर ही नहीं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर होने के बाईस कौड़ियों की जमीन करोड़ों की हो गई है। क्यों भाई सीनू, तुम्हारी कितनी जमीन है वहाँ? अरे छोड़ो यार, एक गुड न्यूज सुनाता हूँ। कल रात बाहर से जू का फोन आया था। क्या बताया अर्जुन ने? बताता क्या सेट हो गया यारो, यहाँ गोबर में लुटपुट था, वहाँ उससे अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा है यारो? वही अच्छा था, वहाँ जानवरों का गोबर साफ कर रहा था, यहाँ इंसानों का साफ करना पड़ रहा है। वालेकुम अस्सलाम, अहलन अहलन, दाल दाल, फल कैफे लालन तो अल्हम्दुलिल्लाह। आ गया फिर अय्याशी करके, खुद तो बैगन में मिल गया, अभी इसको भी बर्बाद कर रहा है। ये साले तो हैदराबाद को बदनाम कर दे रहे। मौका मिला तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि छट्टी का दूध याद आ जाए। तुम कब आती फिर शादी बनाती? बना क्या आती, हैदराबाद जाती, शादी बनाती, वलीमा करती, पानी नहाती, वापस आती। भाई भाई कम चोर हैदराबादी, ये तुम क्या करती? तुम कहती हम इसका हैदराबाद बनाती। हैदराबाद अभी अभी तुम जाती है, बाद में मिलती। तुम क्या कहती, तुम नहीं देखती है तुम्हारा कितना नुकसान करती। हम देखती बाद में देखती, अभी तुम जाती। मैं सलाम है, जाती 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 जाती। गुलदस्ता गिरा है तो हंस रहा है, दान में कुछ काला लग रहा है। तुम हैदराबादी? हमको हैदराबाद लेके जाती। काय को जी, हम भी शादी बनाती। मिल गया बैगन में। बैगन वो क्या होती? हैदराबाद का चल के जाती, बैगन में बैठ के जाती। वल्ला किसको तुम बैगन कहती? अब बैगन को बैगन ही तो क्या भुट्टा कहती? जाती हम भी बैगन में जाती, बली मार करती, पानी नहाती, वापस आती। हम नहलाती, हम नहलाती, ऐसा नहलाती, ऐसा नहलाती, जिंदगी भर याद रख। बल्ला किससे? इससे। बल्ला किससे? ला जवाब, ला जवाब। इसको तो हम कहीं देखी। अरे हौले, इन्हें तो जवान से लेके बुढ़ा तक सबकी धड़कन है रे। क्या कहती? देखा होएगा बस, देखा होएगा। ये तेरी किस्मत में है ना, इसलिए तेरे को दिखा रहा हूँ। तू चल, क्या क्या दिखाता हूँ तेरे को। हम देखती, हम देखती, हम इधर बच जाती। क्या रे, हैदराबादियों को बेगैरत समझे? पैसे के बलबूते पर किसी गरीब की गुर्बत, किसी मजबूर की मजबूरी और किसी लाचार की लाचारी से फायदा उठा कूं? तुम लोग समझ रहे के सारे हैदराबादी ऐसी हैं? ऐसे नहीं है रे। अब तू चल हैदराबाद को, तेरे को दिखाता हूँ हैदराबादी क्या होते। मामा मैं बाहर से चलती फिरती एटीएम मशीन ला रहा हूँ, कार्ड की जरूरत नहीं, सब मिलके खुंदर देंगे। तुम लोग अभी क्या होले हो यारो, जर्रा निकलने से पहले मेरे को फोन मार लेते, काम बन जाता था ना। क्या हुआ जी यजमान? होता क्या, तुमको मालूम डेड मर्सिडीज ले जाते और आज किस्मत से मोमिनोवा ले गई। अरे फिर हमारा क्या होगा मियां? जय मंजे फर्स्टिच मालूम जैसा होता सो उससे अपना गुट्टा बार ला कर रखे। दिमाग है रे, एयरपोर्ट को सेवन सीटर लेके जाते। क्या करें जी, हमने यजगत है सो। अरे मगर सीनू की औकात तो बड़ी ना मियां। क्यों ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। नमस्ते असलम भाई, मैं सीनू बोल रहा हूँ। बोल सीनू। क्या लग रहे थे असलम भाई, अब मैं क्या बोलूँ, मैं भी धोखा खा गया। कब की बात कर रहा मियां तू? कल शाम को असलम भाई नेकलिस रोड पे आपको देखा, नेवी ब्लू सूट, काला चश्मा। अब बा, बा, बा। अब मैं क्या बताऊं, आजू बाजू के लोग तो बोल रहे हैं चिरंजीवी जा रहा। अरे वो तो बस ऐसे ही सीनू, बोल क्या बात है। सच बोल रहा हूँ असलम भाई। असलम भाई वो आपकी नवी गाड़ी होना था एक दिन के वास्ते। काय को सीनू? नहीं भाई, वो मेरे दोस्त नसीम के। नसीम अहमद कहिए। अरे
हाँ जी, नसीम के भौने ही आ रहे हैं बाहर से। क्या? असलम भाई जरा एयरपोर्ट तक जाके आना है। ठीक है मियां, मैं आता हूँ। चलो, आप काय को आते हैं? अपने ड्राइवर को भेजते हैं। तुम लोगों से नहीं मिल के बहुत दिन हो गया। मैं सिनो चल में आ रहा हूँ। असलम भाई शुक्रिया, असलम भाई शुक्रिया। हो गया आप गाड़ी का इंतजाम। ऐसे काय को देख रहा? किसके बहनों ही बोले मियाँ, बोलना पड़ता भाई। बिल्डअप दिए तो इचकमा बनते क्या? अरे सोएंगे, मैं समझता हूँ तुम मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ की लड़कियों से शेखों की शादी को लेकर जो शिकायतें मुझ तक आ रही हैं, वो आइंदा नहीं आनी चाहिए। जी सर। वैसे ये कौम बहुत ही बाविखार कौम होती है, पता नहीं इनसे ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं। सर, मीठे फल में कभी कभी कीड़ा पैदा होता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। बहरहाल तुम्हें उन पर खास नजर रखनी होगी। ओके सर। हम बहुत खुश होती। क्या रे सिनू, आता को आती करता को करती कह रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना बाप? असलम भाई लैंग्वेज प्रॉब्लम। तुम लोग इधर क्या करती? बहुत कुछ करती शेख। पहले इनसे तो मिलो। ये असलम भाई है, बहुत बड़े आदमी है, मुसीबत में काम आने वाले, दरिया दिल इंसान समझो। समंदर भी होती। क्या बोल रही है? ये बस बस ये चांद पाशा है, बेंगलुरु से भाग के आके यहीं सेटल हो गया है। बहुत बड़ा कारोबार है इसका, ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल का मतलब क्या समझ रहे हैं शेख? यो समझो, जो हमको लेके घूमता वो ऑटो होता, जिसको हम लेके घूमते वो मोबाइल होता। समझी समझी। मोबाइल मोबाइल समझी समझी समझी। आजकल तो जबरदस्त स्कीम चला रहे, मोबाइल पे ऑटो फ्री दे रहे। ये सीनू है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके बाप की जमीन पेज बन रहा है। मेरे को तो डैड ने नहीं बताया। क्या यारो, तुम भी? ये गाड़ी भी इसके बाप की जमीन पे चल रही है शायद। क्या बात कर रहे हैं असलम भाई? ये है नसीम, नसीम अहमद कहिए। जी हो, नसीम अहमद लखनवी। शहर में जितने पीले रंग के ऑटो हैं सब इनके ही थे। कुत्ता लेते लेते शाम हो जाती शेख। कुत्ता? कुत्ता नहीं शेख, गुत्ता। रेंट 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 जी जी, गुत्ता रेंट। हाँ समझी समझी, गुत्ता रेंट। वो देखो जी, वो देखो, चार कुतुब मीनार एक साथ। बल्ला, हैदराबाद में चार कुतुब मीनार होती? अरे पांच थी शेख, एक उखाड़ के उधर दिल्ली में लगा दी। एक हमको भी देती? बहुत खर्चा करना पड़ेगा शेख। खर्चा करती खर्चा करती खर्चा करती तो तुमको एक पैक फ्री देती। एक ऑफिस में लगाती, एक घर पे लगाती। ये देखो बस, सामान निकालो, आइए। सामान लिया भाई? चलो बस, अंदर चलो ना असलम भाई। नहीं रे सिनू, एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तू फोन कर ले, मैं आता रहूँगा। अच्छा ठीक है असलम भाई, चल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई। अच्छा होटल तो शानदार है यार। नमस्ते मैडम, आओ। दो रूम बोले थे ना जी। बस कार्ड देती देती। चंपा क्या बेवकूफी है, टूट जाएगा। अरे मैगजीन। नसीम भाई इधर देख। जी जाइए, शुरू हो गया क्या जी? उसी बताओ, इन्हें यहाँ से ले जाइए। साहब नई मैगजीन है, हर कमरे में रखता हूँ। नहीं चाहिए। और सुनिए, जब तक हम यहाँ कयाम पजीर हैं, इस कमरे में ना कोई अखबार आएगा और ना ही मैगजीन। और औरतों के फोटो भी नहीं आना। क्यों? जय बेटे अजमन, हमारे शेख साहब को औरतों से नफरत है जी। ओह अच्छा अच्छा, औरतों से नफरत। समझ गया, शेख अल्टी पल्टी है। फिजूल बातों से परहेज कीजिए मियाँ, और यहाँ से तशरीफ ले जाइए। Why not? Sure. इशु, तो जाओ जीजे। सुस्वागतम। यही जाए कदम। अरे वो नहीं, मरहबा मरहबा। ये तुम क्या करती? बोसा लेती। हमको अच्छा नहीं लगती। पोचो पोचो शेख भाई, हैदराबाद के सबसे आलीशान होटल में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये मत देखिए, ये देखिए, अडबे, ये देखिए, यहाँ से चार मीनार दिखाई देता है। और ये देखिए,
यहाँ से गोलकुंडा दिखाई देता है, और ये देखिए यहाँ से ताजमहल दिखाई नहीं देता है। माशाल्लाह अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए मियाँ, इजाजत लेके जाते भी हैं। जाओ जी। आपको तो एक चीज बताना भूल ही गया, इसमें रखी हर चीज ठंडी हो जाती है सिवाय आपके गुस्से के। ये देखिए क्या कर रहा है। ईश ईश ईश। अच्छा तो मैं चलूं। ईश ये पिपली बगैर टलेगा नहीं। जनाब शेखे मोहतरम, इस बेचारे को अपनी इनायत से नवाजिए ना, कब से मुंतजिर है। क्या बाप, तू भी ना, तेरे बातां शेख समझे तक इन्हें मुड्डा हो जाता। बॉस इसे बख्शीश तो दो 3-4 हजार। अच्छा अच्छा देती देती। 3-4 हजार? अगर ये शेख 2-3 महीना रुक गया तो मैं अपना खुद का होटल खोलेगा। क्या करती? बोसा लेती। नहीं देती। पैसा देती। पैसा देती। पैसा देती। गिनती गिनती। पैसा देती लेती। गोल्ड फ्लैग के डब्बे में गणेश बिड़ी। लगता है ये सारे नोट तुम्हारे यहाँ चले गए, इसलिए हमारे यहाँ तो नहीं दिखाई देते। हाँ हाँ तू ये तो रख भाई, बाद में करता हूँ तेरे इंतजाम। ये बासी कोल्ड ड्रिंक भी ले आ। बासी कोल्ड ड्रिंक और देती। अरे चल भाई तो दे। ये तुम क्यों लेती? खुतुब मीनार उखाड़ने को उन लोगों को काम पे लगाना है ना शेख। अच्छा अच्छा बिल्ला, हम यहाँ तक तो पहुँच गयी। IBM लड़की से मिलना चाहती, उसको देखना चाहती। कह रहती हमारी पुलपुल यहाँ नहीं रहती रे उल्लू। उल्लू वो क्या होती? उल्लू उल्लू मतलब दूल्हा बॉस। समझी समझी। तुम हमको उल्लू कब बनाती? रोज बनाती। रोज बनाती। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज बनाती। आज तो बन गई, कल बनाती। बन गई कब बनी? ऐश्वर्या की तस्वीर काय को दिखाई यारो, दूसरी नहीं मिली के तेरे को। क्या जी जय, छोटे बच्चन से शेख की फुड़ाते क्या? अरे फोड़ना फुड़ाना छोड़िए बरखुरदार, पहले ये सोचिए जो मसला पेशे नजर है उससे कैसे निपटा जाए। ये मोहतरमा तो दीवान खाने से लेकर गुसल खाने तक मौजूद है। क्या बोल रहे जी तुम्हें, अभी है क्या जो गुसल खाने में? अबे हौले, इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक से लेके साबुन तक ही नहीं छकते। ऐसा की ऐसा रहा तो यहाँ शेख को कौन संभालते सोचे। यहाँ क्या कर रहा हूँ यहाँ? वो दरअसल में शेख भाई के कमरे में जा रहा था ना, ये कोल्ड ड्रिंक लेकर एकदम फ्रेश हवा। अरे तेरे को बोला ना रे, शेख के कमरे में औरता की तस्वीर नहीं लेके जाना। औरता की या इसकी? आप इस तरह हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? बराए करम तशरीफ यहाँ से ले जाइए। अच्छा तो मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाइए। ओ ईश, रुक 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 रुक, एक मिनट, आप कुछ देर के लिए बाहर तशरीफ ले जाएंगे ताकि हम आपस में कुछ सलाह मशविरा कर लें। ओ गुफ्तगू गुफ्तगू। ईशा ईश ईशा ईशा ईश ईशा ईश 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 ईशा ईश। देखा जू, लगता है इसे सब पता चल गया। अब अगर इससे झगड़ा मोल लिया तो सारे किए करा पर पानी फिर जाएगा। यार इन्हें तो ब्लैकमेल कर रहा। मजबूरी है, तुम्हें शेख को तस्वीर दिखाने से पेशतर ही सोचना चाहिए था कि इन हालात से साफ़ा पड़ सकता है। जज्जू भाई हमने कौन से अपने जेब से देना है सो? ATM मशीन लाले को है ना जी, कार्ड को लाऊं क्या? आशा ठीक कह रहा है, जरा सोचो क्या हम शेख से हमेशा चिपके रहेंगे? अगर हमने वेटर के मुतालबात के आगे सरे तस्लीम खम नहीं किया तो तन्हाई दरकार होते ही वो हमारे मनसूबे पर पानी फेर देगा। बोलो क्या बोलते हो? क्या करना तुम इज कर लो यारो। दार के जैसा दरवाजा ठोके जा रहे, जर्रा भी फुर्सत नहीं क्या तेरे को? देखिए भाई मेरे पास फुजूल बातों के लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं, और वैसे भी मुझे यकीन है कि आप लोगों ने गुफ्तगू कर ली होगी। गुफ्तगू जी हाँ हाँ। और सुनिए हाजी, आपने गांधी जी के उन 3 बंदरों का मुशाहिदा तो किया ही होगा जो ना सुनते ना देखते ना बोलते। आपको भी उनकी हरकत पर अमल करना होगा। ये रहा उसका मुआवजा। अरे गिनती क्या भाई, मैं गिन लेता हूँ। और हाँ हम आपके गोशे गुजार किए देते हैं कि हमारे हुक्म की मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। आया ख्याले शरीफ में? बिल्कुल आ गया जी, बिल्कुल आ गया जी। अगर आपकी मेहरबानी इसी तरह बंदे पर बरकरार रही तो ये बंदा वादा करता है कि शेख साहब पर नजरें जमाए रखेगा दीवान खाने से लेकर गुसल खाने तक। ये आप रख लीजिए, ये लीजिए फ्रेश है, पी लीजिए। या क्या बाप, शेख को खुदलने से पहले इन्हों अपने को ही खुदल दिया ना।
बोलो बेटी। चाय। बोलो ना बेटी, क्या बात है? आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अपने कलेजे के टुकड़े से भी कोई नाराज हो सकता है क्या? पहले आप वादा कीजिए। वादा किया, मेरी बच्ची की कसम। ठीक है बाबा, मैं हैदराबाद जाना चाहती हूँ। फैशन डिजाइनिंग का बचा हुआ कोर्स पूरा करना चाहती हूँ। मैं जाऊँ? इसमें इतना सोचने की क्या बात है, वहाँ तेरे मामू रहते हैं ना, चले जाना। शुक्रिया बाबा। भाई मोहतरमा को पोशीदा रखने का मसला तो हल हो ही गया, अब जरा ये सोचिए कि शेख मियाँ को उनका दीदार कैसे कराएंगे। कराएंगे ना, प्रॉब्लम क्या है यारो, शेख को मुंबई ले जाके ऐश्वर्या से मिला देंगे, खत्म। अरे चुप बैठो यारो, क्या बैगन की बात कर रहे, मुंबई गए तो मिलती उन्हें। वैसे नाचीज की राय तो ये है कि मोहतरमा को एक दिन के लिए हैदराबाद लाया जाए। क्या क्या बोल रहे जी तुम्हें, तुम ना साली हो ना सो याने को। नहीं साली तो नहीं है, एक शेर जरूर है। अर्ज करो जी। शेर तुम वाला बगैर तुम वाला। दिलशाद दिलशाद। अबे हौले इरशाद। हाँ वही। मुलायदा फरमाएगा, वो सामने आए घूंघट में, वो सामने आए घूंघट में हम अपने होश गवा बैठे, वो जलवा दिखाने आए थे दीदार मगर हम कर न सके। वाह वाह वाह। अरे वाह नसीम भाई, तुम्हारी दुम शायरी तो काम आ गई। शेख को तो पहन लेंगे अपन। क्या बात है बच्चा, तो गाड़ी में बैठ तो गाड़ी चलाने बड़ा मजा आता भाई। अब ये अब जरा उतरते भी पाशा। तुम्हारे चलाने पे मट्टी पड़ो, उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो, क्या तो भी हुआ जी। कुछ भी नहीं पाशा, जरा साइलेंसर उखड़ गया। ये तुम्हारा साइलेंस बार बार उखड़ता काई कुजी, परसों रात में भी लटकने पड़ गया था। तुम्हारे बाबा दिए सो गाड़ी ना बिपाशा। क्या क्या तो भी बोले, बाबा दिए सो गाड़ी, क्या खयामत तक यही चलाते रहो बोले। नहीं बिपाशा, गाड़ी बहुत अच्छी है, बस जरा साइलेंसर ही। क्या साइलेंसर की क्या नहीं की, वो बाजू वाले खाजा मियां भी है, उनका साइलेंसर तो कभी नहीं उखड़ता, तुम्हारा तो बीच में लटक जाता। हेलो चचा, ये चेतक है, इसको झुका के मारना पड़ता। झुका के कते मारो जी। मुझे लगती पैदाइशी लगती बॉस। सुबह निल्ला हम तुमको बताती, हमारा बाप हमसे भी बड़ा उल्लू होती, वो चार चार पर उल्लू बनती। अरे बाप तू तो उल्लू का पट्टा निकला। बराबर बराबर, हम उल्लू का पट्टा, हम उल्लू का पट्टा होती, हम उल्लू का पट्टा होती, उल्लू का पट्टा होती। अरे बाप जय, उसकी आंखें में मट्टी डालो जी, देख लिया तो हमारा भंडारा बाहर पड़ेगा ना। क्या मुसीबत है यार, सर मुंडाते ओले पड़ने लगे, ये मोहतरमा तो हाथ धोकर पीछे पड़ी है। कुछ कर बाप, नहीं तो फाट लग जाएंगी। तो छोड़ ना यार, देख लेने दे। क्या क्या कहा? अरे तो कब तक नाटक करते रहेंगे यारो, मतलब एक ना एक दिन तो होना ही चाहिए। जूते खिलाओगे क्या मियां? कुछ नहीं होएगा, बस तुम देखते जाओ। तुम लोग उधर देखती, उधर देखती, हमारा बुलबुल, हमारा बुलबुल का फोटो किधर से? उधर 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 देखती उधर। अरे नहीं ना शेख, ये तो किसी और लड़की का फोटो है। ये तुम क्या कहती, ये देखती, ये हमारा बुलबुल होती, वो भी हमारा बुलबुल होती। ये तुम्हारी बुलबुल नहीं है शेख। क्यों यारो? हाँ, हाँ। नहीं होती। ये देखती, क्या कहती तुम? देखो शेख, पीलिया के मरीज को हर चीज पीली नजर आती, वैसे मजनू को कुतिया भी लैला लगती। ऐसा इसलिए होता, जो चीज भेजी में घुस के बैठ जाती वही चीज हमको हर जगह नजर आती। अब तुमको भी बुलबुल से मोहब्बत हो गई है ना? बोलो बोलो। देखा देखा, तो इसलिए हर लड़की में तुमको बुलबुल ही नजर आएंगे शेख, समझे? ऐसा उधर देखो, ये भी तो हमारे बुलबुल होती। देखे देखे पेरा पेर पेरा पेर
वो हमारे बुलबुल नहीं होती मगर हमको बुलबुल लगती पर नहीं होती, ये हमारा बुलबुल होती। आ गए बॉस। इधर रहते हैं मेरे बुलबुल। जी हो बिल्ला, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है ना, हमारा बुलबुल हमारा इंतजार करते। हाँ। चलती चलती चलती। अरे देखते जाओ। अरे शेगन्ना, पहले बोसा लेती। बोसा लेती? हाँ बोसा लेती। बोसा नहीं देती? अरे शेगन्ना, पहले नजराना देती फिर बोसा लेती। नजराना? हाँ। नजराना देती? दीजिए, इससे आपके बुलबुल को नजर नहीं लगेगी। नजर नहीं लगेंगी। आती ना शेख। आदाब आदाब। जरा खिसक के बैठो, नहीं तो आरस को देखने के चक्कर में सड़क को जाएंगे ना। सॉरी सॉरी। अय हाय हाय, किस कदर दिल फरेब मंजर है। जिगर थाम लीजिए, नाचीज शेर अर्ज करने जा रहा है। इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके। अबे दुबर्रा नहीं मुकर्रर। हां भाई, इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके। इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके। आगे बढ़ भाई। हाँ, इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से अब वो झांके। लगा दो चिलमन को, न ये झांके न वो झांके। वाह वाह वाह, क्या बात है रे। क्या कहती जनाब? उसके कहने का मतलब यह है कि दीदार यार यूं मुफ्त में नहीं होता। भाई सदका उतारिए, तोहफे तहायब दीजिए, नजराने पेश कीजिए, तब कहीं जाकर शरबत दीदार नोश किया जा सकता है। हम शरबत नहीं पीती। चुप बड़ा रो। बस अगर बुलबुल को देखना है तो नजराना देना पड़ता। निकाला नजराना। नजराना देती, नजराना देती, नजराना देती। हमको देखने नहीं देती। देती शादी के बाद? देती शादी के बाद। अभी बनाती शादी, अभी बनाती। अभी शेखन्ना, ये कफन और खजूर का पटका पहन के शादी करते। शेरवानी सिलाना पड़ता, वलीमा का कोट पैंट बनाना पड़ता, पुदीने का हार, मरफा, बहुत कामा है यारो, तब जाके शादी होती। ऐसा? हाँ। चलो उई, हमारा बिल्कुल खुले की जाती। हमारा बिल्कुल बच्चे बच्चे बात कर, मेरे बच्चे। चचा चचा, वो देखो शेख, तुम्हारी बेटी को ले गया तो शेख। फिर आया देखो तो फिर आ गया रे शेख। अब किसकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने आ रहे? 20 साल हो गए रे अपनी बच्ची को देखे हुए, तरस के आ रहे मेरी अपनी बच्ची। तुम लोग कभी अच्छा नहीं रहेंगे। एक बच्चे को उसके बाप से जुदा करके और तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। कौन सी बच्ची? किसकी बच्ची? ये कौन होती? क्या कहती, क्या करती? हम किसी बच्ची बच्ची को नहीं जानती। छेड़ा रे बाप पागल बुड्ढे को। जानबूझ के छेड़ा यारो। जानबूझ कर? क्या मतलब? मतलब ये कि पागल बुड्ढे के डर से अब ये बार बार बुलबुल को देखने की जिद। ये लेके मारूंगा। अरे मेरा दूसरा साथी।
हो जा। हेलो हेलो, कौन? मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद भाई? तुम बाप बनने वाले हो क्या? कौन है रे तू? पहले जो मेरा ऑपरेशन होगा है रे। तुम्हारा हुआ ना, मेरा तो नहीं हुआ। आ? बेगम, ओ बेगम, क्या बात है? काय को इतना फड़फड़ा रही? वो क्या कर रही? बुलाया काय को, जल्दी बोलो, मेरी रोटी जल जाएंगी ना। वो बकते नहीं बकते। बेगम जरा देखो सही, मेरे पाँव पाँव भारी तो नहीं? हमारे अम्मा बाबा की अकल मारी गई थी जो मेरे को ये हत्थी के पाले डाल के गए। पूरी दुनिया में भेजा नहीं सो मरदवा, ये एक ही चोएंगा। सब गड़बड़ होती, सब उल्टा पुलटा होती। क्या रे? उई, हमारा बैग किसके पास होती? आपके पास ही तो था। उई, हमारा बैग गुम होती? जनाब जाने दीजिए, जान बची लाखों पाए, दूसरा खरीद लेंगे। क्या बात करती, तुम्हारा दिमाग खराब होती? उसमें हमारा पासपोर्ट होती, पासपोर्ट। ये तो बहुत बुरा हुआ। टेंशन नहीं लेने का मामू, मिल जाएगा। हाँ। अरे सीनू वहीं गिर गया होंगे यार, जाके देख। जाती जाती। अरे यार तुम भी ना। जज्जू भाई, जज्जू भाई मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो पाशा भाई। लाइफ का तो इसे बोलते जी, बैठने को नरम, सोने को नरम, न लाने की फिक्र न पकाने की फिक्र, जिसमें जी पड़िया घंटी बजाओ ऑटोमेटिक आ जाता। क्या पाजा भाई, क्या एटीएम मशीन लाई जी तुम्हें भी? उसे वापस नको भेजो जी अज्जू भाई प्लीज। बराबर बोला बाप, पैसे में ही परमात्मा होता कते? होता होगा यारो, मगर हकीकत ये है कि हरकत में ही बरकत है। जिस पल भी जिंदगी पर जमू तारी हो गया, उसी पल जिंदगी का खात्मा समझो। बकौल शायर, ए तायरे लाहोती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। सही बोला नसीम भाई। चाय गरम 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 चाय। मैं शेख साहब को दी, बस ले जा रहा हूँ उनके लिए भी। ठीक है जाइए। लंच ले गया। लंच में क्या लोगी जी? एक चिकन अफगानी, चिकन रशीदा, चिकन दलबजारी, चिकन बेटी बजारी, चिकन चोर बजारी, चिकन बहरम पड़ा, चिकन अगरी पड़ा, यही सारा पड़ा मटन में भी है। बोलो क्या पड़ोगे? सब ले गया, इसके अलावा जो भी है वो भी ले गया। बहुत खूब। पांच निकोरे की जरूरत थी बस। तेरे को सुबह में तो दिए ना रे। क्या साहब, सुबह चाय पिए थे ना, फिर अभी क्यों पी रहे? हर वक्त की अलग अलग जरूरत होती है ना। अब देखो जैसे मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मुझे दोपहर की जरूरत नजर आती है, दोपहर को शाम की, शाम को रात की, और बोलो सुबह फिर वापस आ जाती है। जाता की लाता खाता। साहब साहब साहब, आप बड़े लोग हैं, वहाँ लेटे लेटे भी मुझे लात मार सकते। ये कमरे में गर्मी क्यों है इतनी? एसी ऑन नहीं है क्या? जब बेटे यजमान चालू है ना जी, दिखता नहीं क्या? ओ हो हो हो, लगता है मेरी कमजोरी की गर्मी है। हाय जी। अच्छा मैं शेख को चाय पिला के आता हूँ। बहुत भरी है साले की, खाली करना पड़ेगा। यार ये बेवक की रागनी कभी अच्छी नहीं होती, मांगने का भी एक वक्त होता है। क्या साहब, कौन से जमाने की बात कर रहे? ये आप उस जमाने की बात कर रहे जब सिर्फ बैंक हुआ करता था। आज का जमाना एटीएम का है, 24 घंटे रागनी गाते रहो, पैसे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। हाय अल्लाह, कोई खुजली मिटा दे हाथ की। ए अज्जू, ये एटीएम का कोड बदलना पड़ेगा। गिनते क्या हो पैसे, बरकत चले जाएगी। ऐसे घूर के मत देखो मेरे को, 15-20 टी शर्ट है ऐश्वर्या की, बदल कर अभिषेक बच्चन की ले आऊंगा। अच्छा फ्रेश चाय है, पी लो। जल्दी करो यार, बॉस फड़फड़ाता होगा। क्या तो भी कर रहा रे? अंकल जा रहे हैं गाड़ी में, बहुत मेंटेन करते भाई, अपने पास क्या है, सब चलता है। अरे जल्दी चलो यार। हाँ चल 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 चल। पैसे चाहिए मुझसे, पैसे चाहिए। हाँ
परेशान से लग रहा? कुछ नहीं यार, नींद नहीं आ रही। खुदारा हमसे मत छिपाइए, हमने महसूस किया है कि आज दिन भर भी तुम कुछ खोए खोए से रहे हो। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अम्मा यार, अपनी जिंदगी तो एक दूसरे के लिए खुली किताब की तरह है, इसे इसे बंद मत करो यार। मैं आज सानिया को देखा है, मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ऐसा नहीं करना था मेरे को, नहीं करना था। ऐसा कब तक होता रहेगा इंस्पेक्टर? जब तक आप लोग इन्हें बढ़ावा देते रहेंगे। वैसे हम भी हाथ पर हाथ रख करने बैठे हैं, हमारी कोशिश तो यही है कि ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे शहर की बदनामी हो। हम नजर रखे हुए। उस वक्त पुलिस की नजर कहाँ थी जब एक शेख ने दो मासूम लड़कियों के साथ बड़ी बेशर्मी से एक ही कमरे में रात गुजारी थी? पुलिस के आपके बेडरूम में जागती फिरेगी? इस वाकये के सीधे सीधे आप लोग जिम्मेदार हैं, आपके घरों की हिफाजत आपको करनी है। अरे जब दरवाजा खुला रखेंगे तो लुटेरा तो आएगा ही ना। मरहबा, पूछो पूछो, ये देखो क्या लाया। बंगाल का रसगुल्ला, गुजरात का ढोकला, मुंबई की जलेबी। शाह भाई कौन सा लेगी? हम कुछ नहीं लेती। नहीं लेती? कोई बात नहीं, पिक एंड नॉट। अपने पास फॉरेन आइटम भी है, ये देखो, पिज्जा, बर्गर, नूडल, पास्ता, एकदम सस्ता। बोलो क्या लेगी? हम ये सब नहीं कहती, हम तो हैदराबादी बिरयानी खाती। हैदराबादी बिरयानी? ओ शेख भाई, ये हैदराबादी बिरयानी नहीं, ये तो बॉलीवुड की। शेख भाई ये नहीं खाने का, तुम ये खाती तुम्हारा पेट खराब होती, बाद में जुल्ला होती। नहीं खाती, नहीं खाती, नहीं खाती। क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे? क्या मालूम तुम्हारे को, फोटो देख के मजे ले रहे थे। ये चंपक क्या लाया था तुम्हारे को मालूम? एड्स की चलती फिरती दुकान लेकर फिर रहा, उन्हें होल सेल में HIV बांटता फिर रहा मालूम। और ये तुम्हारी शादी के बारे में लोगों को मालूम हो गया तो पुलिस वाले डाल लेते, तुम्हारे साथ साथ हम सब भी अंदर हो जाते। अब कभी ऐसी हरकत ना करो, समझे? समझे? सॉरी सॉरी। हाँ बोलिए साहब। मंजे गरम गरम खदमों का सालन काले को लाओ जी। खदमों का सालन? ये क्या है रे? अरे मियाँ, इनसे मुराद पाए का शोरबा है। ये क्या ले को बैठो भाई, खाना खाने आए, लाता खाने आए। अरे जाओ भाई, जरा कैटलॉग तो ले गया। कैटलॉग? वो तो कलर की दुकान में मिलता साहब। अरे मियाँ मजाक कर रहा है, जाइए मीनू लेके आइए। कमाल है। और मियाँ, वो तुम्हारी शमशाबाद वाली जमीन का क्या हुआ? अरे एक ही झटके में हो जाता, मगर क्या करें, डैड और मॉम की ट्यूनिंग जम रही नहीं। ऐसा क्यों? डैड के उठने से पहले मॉम चले जाते और डैड के आने से पहले मॉम सो जाते। ट्यूनिंग नहीं जमती कहते, फिर इन्हों कैसे ऐसे जी? क्या बोल रहा फट्टू? अरे मैं वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों? बिजनेस और क्या। अरे क्या यार हो, कुछ मंगा है नहीं मंगा है? अरे टर्म इन्हों घर से लाने का जैसा है। चाहे मंजे फर्स्ट टिच मालूम जी, ऐसा होता सो उससे पहले कदमों का सालियन सोच लिया सो। आइए जनाब, बादशाह आपके बारे में कह रहा था। ये लो। ये क्या? अरे इकबाल तू? अज्जू भाई आप यहाँ कैसे? हाँ अज्जू भाई, यही काम कर रहा हूँ मैं। क्या मगर तुम तो अच्छे खासे। सब खत्म हो गया अज्जू भाई। अरे मैं जरा इधर आओ, मैं बस एक मिनट में आया अज्जू भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर बात की ना रजोती, हम समझाती नहीं समझती, डील कैंसिल करना चाहती, आपको इधर फौरन आना मांगती। ला ला ला, मैं थी बहुत जल जाती, तुम संभालती कुछ दिन और संभालती, इधर हमारा पासपोर्ट गुम होती तुम उधर से डुप्लीकेट पासपोर्ट भेजती, हमारी बहुत जल जाती। खलास तुम देखती, ये हमको बार बार फोन करती, अर्जेंट बुलाती, तुम हमारा बिल हमको देती, हम उधर जाती। क्या फड़फड़ा रहे भाई, कराते ना शादी? कराती? कब कराती? तुम क्या कहती, शादी करती, वलीमा करती, पानी नहीं लाती। और तुम क्या कहती, हमको उल्लू बनाती, रोज बनाती, कब बनाती? इधर उल्लू तैयार, उधर बिल्कुल तैयार, देर क्यों लगाती? सुनिए तो जनाब, हमको सुनने नहीं चाहती,
हम शादी बनाती, उल्लू बनती, अभी बनती, अभी बनती। शादी अभी नहीं बना सकती। नहीं बना सकती? नहीं बना सकती। बल्ला क्यों नहीं बना सकती? अरे तुम्हारी बुलबुल को चिकन गुनिया हो गया सेकन ना। चिकन गुनिया? हाँ चिकन गुनिया। हम चिकन तंदूरी सुना, चिकन अफगानी सुना, चिकन बिरयानी सुना, ये चिकन गुनिया क्या होती? बहुत डेंजर बीमारी होती बॉस। हट्टा कट्टा आदमी भुट्टे में मिल जाता, बता रहे सीनू। हमारे बिल्कुल भी ऐसे होती तोबा तोबा, हम इंतजार करती। मैं बस करना, ये कब कम होती? होती होती, सबर है सबर। सबर सबर तुमको भी चिकनगुनिया होती? हाँ शेख भाई, अब क्या बताओ, अल्लाह की कसम ये चिकनगुनिया बीमारी, कोई पैसे दे दे तो अपना इलाज करवा दूंगा, वरना अपना क्या है। मुझे फर्स्ट चीज मालूम जी ऐसा होता सो उससे चिकनगुनिया की गोलियां साथ रखी हूँ, लो खाओ। ये खाने से चिकनगुनिया कम होती? कम होती। कम होती कम होती बॉस, लेकिन जल्दी नहीं होती। सेकन्ना इसको कुछ पैसे दो ना, बेचारा अपना इलाज करा लेगा। देती देती। हाँ। ये ले, निकल, नहीं तेरा इलाज यही शुरू हो जाएगा। चल अब बैठ। चल चेक बॉटल भूल गया। पैसा लेती अच्छा होती। ये पैसा तुम क्यों लेते? बुलबुल के इलाज के लिए शेख। हमारे बुलबुल भी अच्छे होती। होती होती तू नहीं। असलम भाई का फोन है यारो। नमस्ते असलम भाई। क्या रे सीनो, अभी नहीं निकले क्या? पहुँच रहे असलम भाई। क्या रे, पार्टी है ना रे, भूल गया क्या? तेरे दोस्तों के साथ वो शेख को भी ले गया। अरे आ रहा हूँ असलम भाई, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ असलम भाई। अरे यार आज असलम भाई की एंगेजमेंट पार्टी है, चलो जल्दी निकलते हैं भाई। चलो चलो जल्दी चलो। मट्ठी पड़ो, ये माठी मिला कब आता की क्या है की? कयामत तो भी जल्दी आएंगी, मगर एक कमीना जल्दी नहीं आएगा। देखो क्या खाला। आई आ गया रे बाबा, बड़ी लंबी हयात है तेरी। कैसे हैं? आई मैं अच्छी हूँ, मैं जब से तेरे ही गुनगा रही थी बेटा। हाँ? ये लड़का नहीं इंजीनियर है, अमेरिका में रहता, खानदानी लोगा है, पूछताछ की जरूरत ही नहीं है। लड़का इतना शरीफ है बेटा, बीड़ी का ना काड़ी का। अब बोलो क्या बोलते है। आई क्या हुआ रे बा? ऐनक ची है। आई नक शौक को लगाता कहते बेटे। नको। हाँ दूसरा लाओ। मट्ठी पड़ो, इसकी अक्ल पो आदमी है या घोकरू का काटा माठी मिला। सुल्तान पहलवान ने एक शेख और दलाल की जमकर पिटाई की। आज लगो ऐसे धंधे को, मट्ठी पड़ो ये मुशातागिरी का धंधा, खबर का अजाब बन गया मुशाता बोले तो। चल रे बा चल जल्दी चल, अभी कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ना है कि क्या है कि फिरते फिरते चपला घस गई, अब पावा भी घसे जाने की नौबत आ गई। किसकी बात करें खालाजान? किसकी बात क्या रे बाबा, वही सुल्तान माठी मिलेगी बहन के वास्ते, पिछले 3 साल से रिश्ते देखता है, कोई रिश्ता भी उसको पसंद नहीं आ रहा है। समझ रही है दुनिया में उसकी बहन के वास्ते कोई रिश्ता पैदा ही नहीं है ना। लड़का लड़का हाँ। है कहाँ है रे बाबा बताना जल्दी। अरे चलिए आपको सीधे मिलवाई देता हूँ। चल रे बात जल्दी चल, अल्लाह तेरे को अच्छा रखो। हमको देखने कौन आती? तुम्हारी बुलबुल की नानी। नानी वो क्या होती? नानी मतलब अबे बोलना। अम्मा के अम्मा मतलब मेन प्रोडक्शन। समझी समझी, नानी मतलब चांद होती। अरे मेरे बुलबुल चांद की टुकड़ी का टुकड़ा होती। जैसीनू शेख शायरी छोड़ रहे हैं। सुल्तान सुनेगा ना ऐसी दाद देगा, ऐसी दाद देगा, पूरा जिसम दाता ही दाता रहेगा, बस तेरा दांत नहीं रहेगा। देखो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। क्या मरने के वास्ते खुद ही सच को जा रही है। जैसीनू शेख अजमान मार खाने के बाद कैसा दिखता सो? चूसा हुआ आम, पिचका हुआ चंबू। क्या कहती? बहुत समझ लिया ना, तेरी शादी तो बुलबुल से पक्की। समझ तो आप अच्छी तरह समझ गई ना? अच्छी तरह समझ गई रे बाबा, बहुत अच्छी तरह समझ गई। 3 साल की मेहनत आज रंग लाएंगी देख बेटा। बेटा जरा लड़के को दिखाता बा।
बोले तो ऐसा होता, जैसा तू चाह रहा था ना वैसा ही छेदे। तेरी बहन के तो नसीब खुल गए, अरे ये समझ तेरे भी किस्मत खुल गए। अरे तू तो फकर महसूस करेंगे इसका साला बन के। तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझू? पक्का? तेरे को तो मैं कच्चा चबा के खाऊंगा। मेरी बहन के वास्ते आवारा शेख का रिश्ता लाती। शक्को, इसको अंदर ले जाके उल्टा लटका। अरे मैं नहीं रे बाबा, तू अज्जू माठी मिला भेजा रे रिश्ता। अज्जू? हाँ। उसको भी लेके आ रहे जरा। अरे तोबा कर दे बाबा, ये मुशादा के काम से। कल से इसके दिमाग में सोले घुसा हुआ है जय। इनको बसंती पसंद आ गई सर का है जी। ये आने के बाद ही इसको फिल्मों का मजा लग गया, नहीं तो इसको फिल्मों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। इस मौके पे तो मुझे शेर याद आ रहा है। नको जी शेरा, हमें यहाँ पहले से बेवारसों के जैसा बैठ के है जी। कितने आदमी थे? सीधे दो थी। दो अज्जू, जर्रा इसके सर से सोले का बुखार उतार बाप। बस रात भर जग के यही चीज देखी ना, अब दूसरा देखी। हम देखती, हम फिर देखती। शादी कर लो। पीछे पीछे पीछे, ये क्या बताती, क्या बताती? हमने एक और धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया है और आगे भी करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि कोई भी शेख शादी के नाम पर धोखा न देने पाए, इसलिए हमने सारे होटल्स पे छापे मारने शुरू कर दिए। शेखों के साथ साथ हम उन दलालों को भी पकड़ना चाहते हैं जो शेखों को शादी का लालच देकर यहाँ लाते हैं। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कहते, क्या कहती? पुलिस उस शेख को क्यों पकड़ती? अब तुम्हारी बारी है शेख। हमारी? हम क्या करती, क्या प्रॉब्लम होती? आपने कुछ नहीं किया जनाब, जो कुछ किया आपकी बिरादरी ने किया है। यहाँ की लड़कियों से शादी करना, उन्हें धोखा देकर निकल जाना, फिर उनसे। अरे पिंडे की कमेंट्री बंद कर भाई। देखो अब यहाँ रहना अपने लिए खतरनाक है। हाँ यारो, यहाँ के पुलिस वाले बहुत कुंदल कुंदल के मारते कते। अब इस पटके का कहीं और इंतजाम करना पड़ेगा। जय मंजे फस्टिच मालूम जैसा होता सो उससे मेरा कमरा पक करके रखियो। तो ठीक है, हम लोग गाड़ी लेके आते। चल सिंह चल। जयजू भाई तुम्हें अर्जेंट आओ जी, हम यहाँ चपले को बैठती। क्या फट्टू है यारो इन्हें, क्या है, क्या है? क्यों डर रहा है, आ रहा है ना? एक्सक्यूज मी जी, आपके होटल में मोहम्मद खालिद अहमद मसूद अल खुलेदी बिन जाबरी नाम के कोई शेख रुके हुए हैं? सर इतने सारे शेख तो नहीं है, पर एक शेख जरूर रुके हुए हैं। उनका नाम कहीं ये तो नहीं? हाँ यही है। थैंक्स। मुझे इनके बारे में समान जानकारी चाहिए। कौन से रूम में रुके हैं? 603। जय नसीम। नसीम अहमद कहो यार। हाँ नसीम अहमद, इन लोगों का बात है कि क्या नहीं की मंजे तो डाउट जी। तुम इतने सहमे हो तो क्यों, आ जाएंगे, अभी अभी तो गए हैं। देखो पखौले शायर हम... शेरा ने जी, अल्लाह के वास्ते शेर शायरा ने जी, हम ना पहले छू परेशान है। अच्छा ठीक है। अब्बा जल्दी चलो, ज्यादा जपना नहीं पड़ा। जपने वहाँ नीचे इंस्पेक्टर शेख के नाम की माला जप रहा है, इंक्वायरी कर रहा है उसके बारे में। उन्हें ऊपर आने तक अपन निकल जाना, सामान पैक कर लो। जय मंजे फस्टिच मालूम जैसा होता सो उससे आए जब से बैग खोलिया नहीं। इधर से निकल कर हम किधर जाती? शमशान। शमशान अच्छी नहीं होती, अच्छी जगह होती? बहुत अच्छी जगह होती। इधर एसी होती? हाँ होती एसी, एसीपी डीसीपी सब होती। तू चल बाप। चल चल चल। अरे चलो इधर से लिफ्ट से जा चलो जी। चल चल चल। क्या क्या भाग क्या लाया है इसमें? निमड़ा 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 छोटा छोटा ताजा ताजा क्यों ऐसे निमड़ा? हमारा बुलबुल, हमारा बुलबुल का पोतू, हमारा ये बत्ती क्यों नहीं होती? ये मोती हमको कौन मारती? क्या करती अंधेरे में, कौन किसकी मारती पता ही नहीं चलती? हमारी प्रॉपर्टी होती।
जय मंजे फर्स्ट इच मालूम जैसा होता सो उससे दर्दों का बाम साथ रखियो लियो इस्तेमाल कर लियो अरे जय मंजे भी साथ ले जाओ जी खैरो जी खोलो जी खोलो अरे इधर से नहीं रहो चल पुलिस मतलब हमारे ऑटो से तो तेज भागती होगी ना सीनो अब देख बस थोड़ा सा तेज हो रहा असलम भाई जल्दी में करते जल्दी चलो बाबू उतरो उतरो नीचे उतरो चलो बाहर आ जाओ कौन है भाई क्या किस्सा है इससे कहना कुछ नहीं बाबा तीन महीनों से ये मने बने गाड़ी लेके मजे से फिर रहे चलो इन पेपर हम साइन करो क्या बकवास कर रहे हैं मेरा कोई ड्यू नहीं है ड्यू नहीं है नहीं है तो फिर गाड़ी सीज करने के आर्डर कैसे तुम लोगों से गलती हुई है हो सकता है मगर आपको मेरे साथ बैंक तो चलना पड़ेगा ठीक है चलो चलो भाई उतारो सबको गाड़ी से उतारो चलिए चलिए चल रहे गाड़ी से उतारो बाहर आ जाओ सब चलो आ जाओ उतरो क्या मुसीबत है यार सीनो गाड़ी में सामान ले दो तुम दूसरी गाड़ी करके निकल जाओ मैं इनको निपट के आता हूँ ठीक है असलम भाई उन लोग गए जी कहती असलम भाई के दिमाग को मानना पड़ेगा यारो सिंगल गाड़ी पे डबल फाइनेंस वो कैसे रे इजी गाड़ी लेने के लिए जैन सेठ से 2 लाख रुपए फाइनेंस लिए हाँ। वो इस 2 लाख बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक वाले गाड़ी लिए डबल फाइनेंस हो गया ना क्या जी जय हमें भी उनके गुड़िया में उनके भाई ये तो उनका कमाल है लेकिन हमें तो खुली सड़क पर लाके छोड़ दिया बकौले शायर बहुत बेआबरू करके सड़क पर लाके छोड़ा है मियां अब कैसे घर जाए न गाड़ी है न घोड़ा है हेलियो हमारी परेशानी हम ना है इनको शेरशाहियां लगी है क्या हुआ है क्या तो भी हुआ रहे किसको देख के चुप रहा मामा जा रहे जा रहे जा रहे मौसी जा रही गुट्टा पर्कस जी आजा गुट्टा पर्कस चलो बैठो चाचा जेट मैनेजमेंट ठहरो जी अरे जल्दी करो चाचा बैठो जी बैठो ये क्या होती गुट्टा पर्कस होती गुट्टा पर्कस वो क्या होती बैठने के बाद मालूम होती चल चल इसमें ऐसी होती चारों तरफ से होती बैठ 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 गुट्टा बारकस गुट्टा बारकस चलो चलो बैठो अरे क्या बेगम तुम भी ना हर काम में देर करती चलो बैठो आई बैठी होगी ये फ्लेयर है कहीं को ये हमारी गाड़ी में क्यों बैठती बच्चे कच्चे वाले हैं बेचारे थोड़ी दूरी पे उतर जाते हाजा नफर मिस्की मिस्किन उधर से खींचती हम 20 पैसे टूट जाती ये गुट्टा पर्कस होती हम आज के बाद गुट्टा पर्कस में नहीं बैठती नहीं बैठती कभी नहीं बैठती नहीं रहती अब हम हमारे वतन को वापस जाती
तुम हमारा जिंदगी खराब करती, पागल से पिटवाती, पुलिस पीछे लगाती, कुत्ता मार कुत्ता पिटाती, हमारा क्या हाल करती? क्या हाल लाने तो जीनो? मामू टेंशन नहीं लेने का, हम जाती वापस जाती अभी जाती 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 तो ये तुम्हारी बुराई शादी बना के जाती हम हमारे बिलबुल के वास्ते कुछ भी करती। रे पाशा ये खजूर को कहाँ से उठा के लाए रे? आधा भाभी जान पानी। कौन है रे तू, काय को आ रही है? शादी बनाने को आती। क्या रे पाशा ऐसे काम शुरू करे तुम्हें? ये शादी का क्या हिस्सा है रे? पहले शेखों को पकड़ लेके जा रहे, ये नई मुसीबत डालते क्या हमारे गले में? अरे नहीं भाभी, भाभी जान मैं भाभी भाभी कुछ नहीं, पहले इसको यहाँ से निकालो। अरे प्यारी भाभी जान पहले मेरी बात तो सुनो, ये शादी वादी कुछ नहीं है, असल में तो इन्हें शेख भी नहीं है, पागल है। हम पागल नहीं होती शेख अन्ना, तुमको पागल बनना ही पड़ेगा वरना पुलिस सब निकाल लेती। शादी का काय को बताए तुम, मिस्टेक तुम्हारी है। हमारी पागल पकड़ती, एक हफ्ते से यही ड्रेस पहन के घूम रहा है, उतार रहा है इतनी ऐसा हो। अंतम से शादी बहनाती हनीमून मनाने होनोलुलु लेके जाती। ये होनोलुलु क्या तो भी है रे, मेरे को लेके जाता कते, ये पागल तो मेरे पीछे पड़ गया। होनोलुलु लेके जाती, होनोलुलु लेके जाती, रुकती शादी बहनाती, होनोलुलु लेके जाती, रुकती रुकती रुकती। अब बात तू तो बहुत धारकारी निकला रे बाप, तुम देखती कैसे बगाती। अरे जनाब अगर आप हॉलीवुड पहुंच जाएं तो आपकी तो छुट्टी हो जाएगी। कल के अखबार में सुल्तान के मरने की खबर जरूर आनी चाहिए, ये लो एडवांस। ठीक है मिस्टर एमएलए, आपका काम जरूर होगा। हाँ भाई सुल्तान आने वाला है, बोत में गन रखी हुई है उसे ठोक दे। अरे अरे कमाल है, हेलो डार्लिंग। अच्छा सुन, कामों से तेरे फिल्म की दो टिकट लाए हुआ। अच्छा वक्त पर पहुंच जाना समझी ना, चल जल्दी से पप्पी दे। अंकल आप नमस्ते नमस्ते, मुझे लगा आंटी है। कुत्ता कमीना, कुत्ता कमीना दोनों तेरा बाप। जरा जल्दी क्या है, ठोकता क्या है, फोन कर रहा हूँ ना। हेलो पुलिस स्टेशन, सुनो चार मीनार पर किसी ने बॉम्ब रख दिया। कौन बोल रहा है? अच्छा नाम बताऊंगा तो क्या गोद ले लोगे? अरे बेकार बातों पर वक्त जाया मत करो, फौरन पहुंच जाओ वरना फट जाएगा बॉम्ब। हाँ हेलो कौन बोला? पुलिस वालों की तो फट गई होगी, मेरी बात सुनकर अब तक तो पहुंच भी गए होंगे बेचारे कुत्ते। पुलिस वालों को लेकर के चार मीनार के इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे। फोन कर। क्या भाई थोड़ा अर्जेंट है जी। इधर ही करोगे? वहाँ भी तो है ना टेलीफोन बूथ। अरे दस कदम चल के जाओगे, ये जो तुम्हारा पेट है ना पेट, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। उतनी हाथ में सेल फोन। अरे ओ मेदवाड़ा, आठ आना बचाने के चक्कर में दूसरों को परेशान करते हो। हेलो हेलो डॉक्टर खोरपड़े स्पीकिंग। सुनो कुत्तों का इलाज करते हो? फोन पे कैसे करूं, सामने आ कुत्ते। ये तो मेरा भी बाप निकला। क्या कर रहा, उसको बाहर निकाल जल्दी। कैसे निकालो भाई, फालतू में ब्लैंक कॉल किया जा रहा है और अंदर से बंद कर लिया है। हाँ बस आ रहा हूँ। सुल्तान आ रहा है, क्या करूँ, किसी को परेशान करूँ या ना करूँ?